दोस्तों, ये जो मैंने टेम्परेचर गन है, मैंने फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय जो ब्रांड है वो खरीदा है फ्लिपकार्ट पे, जो अवेलेबल है, आपको ये मिल जाता है 2,200 रुपये में। तो बॉक्स पे इन्होंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, एकदम सिंपल बॉक्स है ये। और बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आपको यहाँ पे मैनुअल मिलती है एक, और एक थैंक यू कार्ड मिलता है यहाँ पे, वारंटी कार्ड जैसा कुछ है नहीं इसमें। और आपको यहाँ पे आपका ये टेम्परेचर गन मिल जाता है। यहाँ पे कुछ 3 बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे एलसीडी पैनल है, और ये इंफ्रारेड सेंसर है आपका, और ये ट्रिगर है, और यहाँ पे बैटरी आप डाल सकते हैं, 2 बैटरी यहाँ पे लगेंगी। आपको यहाँ पे साथ में बॉक्स में ही मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको अलग से खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो AAA साइज की 2 बैटरी आपको मिल जाती है। तो इसकी हमें सेटिंग्स कैसे करनी है मैं आपको बताऊँगा। आपको जो बैटरी है उनको इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट कैसे करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो ये प्लस का साइन हमें पहले यहाँ पे ऊपर की ओर रखना है, और बाद में माइनस का साइन यहाँ पे ऊपर रखना है दूसरे में। तो एक उल्टा एक सीधा इस तरह से हमें डालना है और बाद में इसे कर देना इंसर्ट। इसके बाद ये आपका जो टेम्परेचर गन है काम करना शुरू कर देगा। और इसके जो मेजरमेंट लेने की तकनीक है काफ़ी फास्ट है, 1 सेकंड से भी कम सेकंड में आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है और क्या क्या चेंजेस करने मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जो ब्रांड है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय है, आपको 1 साल की वारंटी इसमें आपको मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं, ये सेटिंग का है, और यहाँ पे अप एंड डाउन की 2 बटन्स दी गई है, यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर भी है, और यहाँ पे बीप के लिए साउंड भी है, बजर भी है। दोस्तों, आपको इस गन में 2 मोड मिल जाते हैं, मतलब आप बॉडी और सरफेस दोनों को मेजर कर सकते हो। तो अगर शरीर का तापमान नापना हुआ तो आपको बॉडी पे सेट करना है, और किसी चीज का तापमान अगर आपको नापना हुआ तो आपको सरफेस पे करना है। तो सर, उसके लिए आपको सेट बटन पे प्रेस करना है एक बार, या सरफेस या फिर बॉडी, आप इस तरह से उसे चेंज कर सकते हो, सरफेस या बॉडी, आपको सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अच्छी बात है, आपको यहाँ पे जो बैटरी लेवल है वो भी दिखाई देता है, मतलब आपके सेल काम कर रहे हैं कि नहीं आपको पता चल जाएगा, लेवल क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको यूनिट दिखाया जाता है, मतलब कौन से यूनिट में आपका जो टेम्परेचर है मेजर हो रहा है, ये सेल्सियस है या फेरनहाइट है, आप वो भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको साउंड इनेबल है या नहीं, जो साउंड बीप जो है वो इनेबल है या नहीं, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये चेंज करना हुआ, मान लो अगर आपको फेरनहाइट में जो टेम्परेचर है नापना हुआ तो भी आप कर सकते हो। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सेटिंग्स के बटन को लॉन्ग प्रेस करना है 3 बार, फंक्शन 1 आएगा, इसके बाद वापस लॉन्ग प्रेस करना है फंक्शन 2, और वापस 3री बार भी लॉन्ग प्रेस करना है फंक्शन 3, और उसके बाद आपको जो सेल्सियस है उसके लिए आपको ये ऊपर वाला बटन टॉगल अप करना है। तो आप देख सकते हो, अब ये फेरनहाइट हो चुका है। वापस इसको सेल्सियस करना है तो आप नीचे करिए, सेल्सियस आ गया है, या फिर टॉगल अप करिए, फेरनहाइट आ गया। तो अब इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे फेरनहाइट में रखा हुआ है टेम्परेचर, तो अब जो भी टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे आपको फेरनहाइट यूनिट में बताया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको 3 लाइट्स मिल जाती है, आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे ग्रीन लाइट मिलती है, येलो लाइट मिलती है, और रेड लाइट मिलती है। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो ग्रीन लाइट आप देख सकते हो, अगर थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हुआ बॉडी का टेम्परेचर तो वो दिखाई देगा आपको येलो में, और अगर ज्यादा ही हाई फीवर हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ 38 के अबव, 38 या फिर उससे ज्यादा हुआ, 38 से ज्यादा हुआ, तो फिर आपको यहाँ पे रेड लाइट दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे लेवल की बात करेंगे फेरनहाइट की, जो मतलब फीवर है, तो रेड लाइट हमें कब दिखाना है, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स है, आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो इसकी जो सेटिंग्स है, डिफॉल्ट वैल्यू है 100.4 है, 100.4 जो सेटिंग्स होती है फेरनहाइट में, उतना टेम्परेचर मतलब नॉर्मल होता है अपनी बॉडी का। अगर उससे ज्यादा हो तो मतलब आपको फीवर है, इसीलिए अगर आपको रेड लाइट दिखाना हो 100.4 के ऊपर तो आप ये चेंज कर सकते हो सेटिंग्स। अगर आपको मान लो आपको 100 के ऊपर ही चेंज करना है तो आप कर सकते हो। आपको सेटिंग्स में जाना है, उसे 2 बार लॉन्ग प्रेस करना है फंक्शन 1, फिर वापस फंक्शन 2, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 100.4। आप इसे बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना जो लेवल है, जो अलर्ट लेवल, वो आप उसे चेंज कर सकते हो। अगर 100.4 के ऊपर अगर टेम्परेचर रहा तो रेड में लाइट आएगा और
बीपिंग भी होगी। तो इस तरह से आप इस लेवल को चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। इसके बाद दोस्तों अगर आपको जो वॉल्यूम है वो आप देख सकते हो, जब मैं कभी भी टेम्परेचर लेता हूं तो आप बीप का जो साउंड है सुन सकते हो, आप जो बीप है वो सुन सकते हो। तो अगर आपको बीप इनेबल या डिसेबल करनी है तो उसके लिए भी आपको सेटिंग्स में जाना है। इसको आपको चार बार लॉन्ग प्रेस करना है, एक बार करिए, फंक्शन फोर में जाना है आपको, दूसरी बार, तीसरी बार और बाद में चौथी बार, और इसके बाद आपको टॉगल अप एंड डाउन करना है। इसके बाद टॉगल अप एंड डाउन करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी बीप जो है साउंड डिसेबल हो चुका है। अभी अगर मैं कोई मेजरमेंट ले रहा हूं तो उसका जो साउंड है नहीं आ रहा है। तो अगर आपको साउंड इनेबल करना है तो वही आपको करना है, सेटिंग्स में जाना है, लॉन्ग प्रेस करना है, फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री और फंक्शन फोर में जाके आपको टॉगल अप करना है। इसके बाद जो है आपका वॉल्यूम इनेबल हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो साउंड है वो, जो बीप साउंड है वो आप इनेबल कर सकते हो आपके इस टेम्परेचर गन में। दोस्तों यहाँ पे 15 सेकंड का ऑटो शटअप है, मतलब 15 सेकंड अगर आप यूज नहीं करते हो तो जो टेम्परेचर गन अपने आप बंद हो जाएगा। तो काफी अच्छी बात है, जो सेल है वो ज्यादा यूज नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे आपके आपको यहाँ पे बताया गया है कि मेजरमेंट जो है वो आप लेते हो तब आपको एकदम बीच में रखना है, सिर के बीच में, और हेयर से कवर नहीं होना चाहिए, बाल नहीं होने चाहिए बीच में। और जो डिस्टेंस होता है आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो डिस्टेंस है आपको आप यहाँ पे देख सकते हो, जो रेंज है 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर आप इतनी रेंज तक जो टेम्परेचर है ले सकते हो कि ना। अगर आप 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में लेते हो तो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी आएगी, ठीक आएगी, और 6 से 10 सेंटीमीटर में एक्यूरेसी थोड़ी कम ज्यादा होगी। तो इसलिए आप 2 से 5 सेंटीमीटर में रखिएगा मेजरमेंट करने के लिए, ताकि जो एक्यूरेसी है अच्छी आए। इसके साथ आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक ही आपको रीडिंग नहीं लेनी है। अगर आपकी आपको किसी के बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो 3 बार मेजरमेंट लीजिए, और तीनों बार जो रीडिंग है उसमें 3 से 5 सेकंड का इंटरवल रखिए। एक बार रीडिंग लीजिए, फिर वापस रीडिंग लीजिए, ऐसे 3 बार करिए ताकि आपको एवरेज टेम्परेचर पता चले। इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में यूज नहीं करना है, और इसे ज्यादा टेम्परेचर हो वहां पे भी आपको स्टोर नहीं करना है। दोस्तों ये टेम्परेचर गन ठीक से काम करता है कि नहीं, इसके लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है इस फोन में। इसमें आपको जो टेम्परेचर है दिखाया जाता है यहाँ पे बैटरी का। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो बैटरी का टेम्परेचर है अभी यहाँ पे 35.3 दिखा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि 35.3 या फिर उसके आसपास कितना दिखाता है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसलिए आपको इसे पानी से दूरी रखना है और डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको नहीं लेके जाना है। आपको भी खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, इसमें टेम्परेचर काफी आसानी से मिल जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता है। आपको इसमें जो मेमोरी है वो भी आपको मिल जाती है। आप जो मेमोरी है, जैसे अगर आपको देखने लास्ट टाइम आपने कौन कौन से मेजरमेंट लिए थे तो आप देख सकते हो ये मेमोरी है, आपने इतने सारे मेजरमेंट लिए हुए हैं। तो कितने मेजरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले, तो यहाँ पे कुछ 30 या 32 की सेटिंग्स होती है। तो आप पिछले 30 या 32 रीडिंग को आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप भूल भी जाओ तो आप पीछे जाकर इसे चेक कर सकते हो, तो 31 और 32। तो इस तरह 32 यहाँ पे मेमोरी स्टोर हो सकती है। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस टेम्परेचर गन के रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।